दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लेट्स बिगिन बेटा, चलिए स्टार्ट करिए। गो लाइव बेटा, चलिए लेट्स बिगिन। चलिए बेटा, सब लोग जुड़ गए हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। चलिए बेटा, टाइम स्टार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या बेनिफिट नहीं है बेटा? कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, ये तो है पॉसिबल बेटा। टेस्टिंग और सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, ये भी पॉसिबल है बेटा। टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ये इससे पॉसिबल नहीं है बेटा, यानी सेकेंड होगा। बिल्कुल सही है दीपशिखा, सज्जू, विशाल, राहुल, नीतू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, GEAC का पूरा नाम, अभी ये नीट 2019 में आ भी चुका है बेटा। GEAC का पूरा नाम क्या है? राइट है शिवम आपका भी, सोनू करेक्ट। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए। सिंपल सिंपल से पहले क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बिल्कुल ठीक है बेटा, यानी इसका 3 हो जाएगा, वेरी गुड। वंदना, विशाल, आयुष, नीतू, शिवम, शिखा, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। थर्ड, ए प्रोब विच इज ए मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द मिक्सचर ऑफ DNA और RNA मॉलिक्यूल कुड बी। टाइम बिगिंस। राहुल, सोनू, राम आपका भी ठीक है बेटा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए सब लोग। सिंगल स्टैंडर्ड RNA या DNA लिखा है। ए प्रोब विच इज ए मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ DNA और RNA मॉलिक्यूल कुड बी। ए सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ए सिंगल स्टैंडर्ड DNA, आइदर RNA और DNA, कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड DNA बट नॉट सिंगल स्टैंडर्ड RNA। क्या सही होगा बेटा? हाँ, या तो DNA ले सकते हैं, कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड DNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA, दोनों लिया जा सकता है बेटा। अब इसमें क्या लिखा है, ये वाला कर लेते हैं थर्ड, क्योंकि इसमें क्या है, DNA और RNA दोनों लिया जा सकता है, तो थर्ड सही हो जाएगा बेटा। सही है, विशाल, सज्जू, नीतू, शिवम, आयुष, वंदना, सही है बेटा, सही है। चलिए, पैथोफिजियोलॉजी इज द, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा बेटा? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, या नन ऑफ एवब। चलिए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी NCERT की लाइन है बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, बताइए पहले आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल, स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, जो होस्ट की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है बेटा पैथोजन की वजह से, उसी को बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। दिस इज 3, वेरी गुड, सबने सही दिया है। शिवम, विशाल, दीपशिखा, राम, शिखा, वंदना, राहुल, सज्जू, सोनू, नीतू, राइट बेटा। चलो, द ट्रिगर ऑफ एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस इज। चलिए बेटा बताइए, फिफ्थ का आंसर क्या होगा बेटा?
द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजियंसिस। बिल्कुल सही है, एल्केलाइन पीएच जब तक नहीं मिलेगा बेटा तब तक ये एक्टिवेट नहीं हो पाता है, इसलिए इसका बेस्ट होगा थर्ड एल्केलाइन पीएच। सबने सही दे दिया, राहुल, नीतू, दीपशिखा, सिया, वंदना, शिखा, विशाल, दीपशिखा, राम, ममता, सोनू। सही है बेटा, करेक्ट करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन बेटा अब आपके सामने है। गोल्डन राइस इज टाइम बिगिंस। शिवम करेक्ट, सज्जू करेक्ट। सिक्स क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग रिप्लाई करिए बेटा। गोल्डन राइस इज, गोल्डन राइस क्या है बेटा? हाँ, एक ऐसी राइस जिसमें विटामिन ए बढ़ाया गया, और विटामिन ए कैसे बनता है बेटा? बीटा कैरोटीन से। इसलिए इसमें हो जाएगा हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सबने सही दे दिया है, वेल डन। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बेटा रिप्लाई करो। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कॉमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो कि इंडिया में रिलीज किया गया। सिक्स का सभी का सही है बेटा। सेवेंथ का क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। लेट मी नो। हाँ, इंडिया में जो पहला फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉमर्शियल प्लांट बनाया गया था बेटा, वो बीटी कॉटन था, वो था बीटी कॉटन। ठीक है, इसका भी सही है, राहुल, सिया, शिवम, ममता, नीतू, सज्जू, सोनू, वंदना, दीपशिखा, शिखा, विशाल, सज्जू। राइट बेटा, सबका करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन में आपके सामने है। विच ऑफ फॉलोइंग एग्रीकल्चर चैलेंजेस कैन नॉट बी सॉल्व द ट्रांसजेनिक टेक्निक्स। टाइम बिगिंस। निम्नलिखित में से कौन सा एग्रीकल्चर चैलेंज जो है वो ट्रांसजेनिक टेक्निक द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है? चलो बेटा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, लेट मी नो। बिल्कुल सही है, कई लोगों ने आंसर दे दिया, पब्लिक प्रेफरेंस फॉर ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ऑर्गेनिक वेजिटेबल पब्लिक प्रेफरेंस के लिए नहीं किया जाता है। इसका आंसर दे दिया सिया ने, विशाल ने, सज्जू, दीपशिखा, नीतू। कुछ लोगों ने थ्री दिया, थ्री नहीं होगा बेटा, सेफ्टी कंसर्न तो है ही है। चलिए, ममता करेक्ट। बीटी टॉक्सिन्स आर, बीटी टॉक्सिन्स आर टाइम बिगिंस। बीटी टॉक्सिन्स आर, वंदना फोर, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए बेटा। बीटी टॉक्सिन्स आर, हाँ ये है बेटा, इंट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। तभी तो क्राई वर्ड यूज किया था हम लोगों ने, तो नाइन्थ का हो जाएगा बी। बिल्कुल सही बेटा, बी या टू हो जाएगा। सोनू, शिवम, विशाल, शिखा, दीपशिखा, ममता, सज्जू। चलो बेटा, टेंथ क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरिंजियंसिस डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्स बिकॉज। टाइम बिगिंस। चलो बेटा, टेंथ क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कर दीजिए, लेट मी नो। बिल्कुल, क्योंकि टॉक्सिन्स जो होता है वो होता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, और बेटा प्रो रहेगा इनएक्टिव होता है कि एक्टिव, इनएक्टिव आपको बताया था, किसी भी उसके पहले प्रो लगा हो और किसी भी चीज के बाद में जन लगा हो तो बेटा क्या करेंगे, तो इसका मतलब वो इनएक्टिव होगा, इसीलिए वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, इलेवेंथ क्वेश्चन, टाइम बिगिंस। टेंथ का सही दिया है सबने, नीतू, राहुल, शिवम, सज्जू, ममता, दीपशिखा, सोनू, शिखा, वंदना, विशाल। राइट बेटा, राइट, करेक्ट, सबने करेक्ट दिया है, शिवम। इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बेटा रिप्लाई करिए, कम ऑन एवरीवन।
चलो बेटा जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए 11th क्वेश्चन का। बिल्कुल, Cry1AB जो है बेटा कॉर्न बोरर और कॉटन के लिए होता है बेटा, कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए Cry2AB, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। बिल्कुल सही बेटा, सेकंड दे दिया है। वंदना, विशाल, सज्जू, दीपशिखा, शिवम, राहुल, नीतू, ममता, राइट बेटा राइट। 12th, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो विच रिमेन्स फ्रेश फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन द नॉर्मल टोबैको टोमेटो वैरायटी, बेटा उसमें क्या होता है ऐसा? चलिए देखिए और आंसर दीजिए। हाई अमाउंट ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टुरोनेज हैज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम पॉलीगैलेक्टुरोनेज, या इज ए पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, या इज रिच इन विटामिन ए एंड प्रिवेंट द नाइट ब्लाइंडनेस, क्या सही है बेटा? हाँ, हम लोग ने उसके अंदर का जो एंजाइम है बेटा पॉलीगैलेक्टुरोनेज, उसको हम लोग ने कम कर दिया है। वेरी गुड बेटा, सबने इसका सेकंड आंसर दे दिया है। वेल रिप्लाइड बेटा, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो आप लोग, ऑल द बेस्ट। 13, जीन थेरेपी कैन बी प्रिफर्ड टू एस, जीन थेरेपी का क्या मतलब होता है बेटा? लेट्स बिगिन। चलो बेटा रिप्लाई करो, जीन थेरेपी का क्या मतलब होगा? चलिए सही है, सेकंड दे दिया है सभी ने। बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट है, सेकंड होगा जीन थेरेपी का मतलब। चलिए 14th क्वेश्चन हुआ आपके सामने बेटा, रिप्लाई कर दीजिए। चलिए बेटा 14th क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कम ऑन एवरीवन। हाँ, 14th का आप लोग ने दे दिया बेटा, वेरी गुड। लिखा है कि व्हाट माइट टू बी एडवांटेज ऑफ बिगनिंग ऑफ जीन थेरेपी प्रायर टू बर्थ, तो इसका आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही है। द बॉडी वुड नॉट रिजेक्ट इट एज इट हैज नॉट येट रिकॉग्नाइज सेल्फ, ठीक है, इसका आंसर सेकंड है जिसने दिया है। बिल्कुल सही दिया बेटा, सेकंड सही है। कुछ लोग डबल डबल आंसर दे रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए तो इसका सही है, काफी लोगों ने सही दिया है। वेल वेल रिप्लाइड बेटा। 15th क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, विच आउट ऑफ फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वैक्सीन, टाइम स्टार्ट्स। चलिए बेटा, कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। हाँ, हिपेटाइटिस बी वैक्सीन भी बेटा, और कौन सी? हर्पीस वायरस वैक्सीन, दोनों। 4 होगा इसका, 4 करेक्ट है बेटा इसका। कई लोग 1 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, नहीं इसका 4 करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल सही दिया है विशाल, दीपशिखा। राहुल, वंदना। चलिए, गिवेन आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ट्रांसजेनिक एनिमल, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ट्रांसजेनिक सिप, ट्रांसजेनिक सिप का एग्जाम्पल बताइए बेटा। जैसे रोजी क्या है पता होगा, एंडी क्या है, नीतू का भी करेक्ट है बेटा। चलिए 16th क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए आप लोग, कम ऑन एवरीवन।
चलिए बेटा, कई लोगों का आंसर आ गया मेरे पास, बहुत कम लोगों का ये आंसर सही है। ट्रेसी नाम था बेटा उसका, ट्रेसी। एंडी क्या है अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ठीक है, रोजी क्या है पता है, काऊ। डॉगी क्या है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, ट्रेसी थी बेटा ये। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। ह्यूमन प्रोटीन विच इज बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इज यूज टू ट्रीटमेंट एम्फिसिमा इज। चलो बेटा, एनसीईआरटी की के लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, इसका विशाल ने सही दिया था सबसे पहले 16 का। ह्यूमन प्रोटीन विच इज बीइंग ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इज यूज टू ट्रीटमेंट एम्फिसिमा। एम्फिसिमा के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है, इसका भी विशाल ने दे दिया है सबसे पहले। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। और आई होप सो इसका सबका आंसर सही है। ठीक है बेटा, सिखा सोनू, वेरी गुड। ममता, सिया, सज्जू। मोस्ट वाइडली यूज बायो वेपन इज, टाइम बिगिंस। सबसे ज़्यादा कौन सा बायो वेपन यूज़ किया जाता है आज की डेट पे, तो मैं कोरोना बोलूँगा, चीन ने यूज़ कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस है, कहीं बवाल ना हो जाए। एटीन्थ, बिल्कुल इसका होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये भी बहुत खतरनाक है, बैसिलस एंथ्रेसिस का उपयोग करते हैं। इसका आंसर सबने सही दे दिया है। वंदना, शिखा, राहुल, विशाल, शिवम, ममता, नीतू, दीप, शिखा, राइट बेटा, सोनू, सज्जू, करेक्ट। व्हाई इज यूजली इंसुलिन नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली टू ए डायबिटिक पेशेंट। चलिए लेट्स बिगिन। नीतू, शिवम, राइट, आपका भी करेक्ट है बेटा। चलिए 19 क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। नाइनटीन्थ का क्या होगा बेटा, हाँ, क्योंकि इंसुलिन बिटर है, इससे तो कोई मतलब नहीं बेटा। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड, और पेप्टाइड है तो बेटा प्रोटीन है, प्रोटीन है तो पच जाएगी, तो इसलिए लेने से कोई मतलब नहीं। इसलिए इंजेक्टिव फॉर्म में लिया जाता है, ओरली फॉर्म में नहीं लिया जाता है। इसका आंसर सबने दे दिया है वैसे, सेकेंड। ठीक है, चलिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू। मेन उद्देश्य क्या है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीएम क्रॉप बनाने का। कम ऑन एवरी वन, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। हाँ राइट, विशाल ने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। चलो बेटा, 20 के लिए आई एम वेटिंग। उमेश, सलमा, सिया, सोनू, शिवम, करेक्ट है बेटा आपका। ठीक है, लिखा हुआ है एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द मैनुअल लेबर। ये ज़्यादा करेक्ट है बेटा, कि मैनुअल लेबर के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसका आंसर सेकंड ज़्यादा करेक्ट है बेटा, तो याद रखिएगा सेकंड मेन है। आप ये आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग, आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। इसका आंसर कई लोगों ने सही दे दिया है, वेरी गुड। द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस इज वाइडली यूज इन कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट इज। ये तो बहुत इजी है, चलो बेटा जल्दी से रिप्लाई करो। बिल्कुल सही है, इसका इंसेक्टिसाइड है ये।
ये इंसेक्टिसाइड है इसीलिए इसका उपयोग किया जाएगा। वेरी गुड सिया, विशाल, सोनू, दीपशिखा, शिवम, वंदना, सज्जू, सही है सबका। विच वन इज इनकरेक्टली मैच, टाइम बिगिंस, नीतू, राहुल, ममता, शिखा, सबका सही है बेटा। चलिए 22 क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करिए। कम ऑन एवरी वन, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, मिलोइडी गाइनी कॉग्निसिया जो होता है ये इससे मैच नहीं करेगा बेटा। ये तो एक नेमाटोड था जो टोबैको के रूट्स को हार्म करता था। ठीक है, बाकी सब सही है, सबका सही है बेटा, सबका सही है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए 23 को देखिए और मैच करा के करेक्ट ऑप्शन बताइए बेटा। लेट्स बिगिन, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करा के करेक्ट आंसर बता दीजिए। चलिए बेटा, कम ऑन एवरीवन, मैच कराइए और करेक्ट आंसर बता दीजिए। चलो बेटा जल्दी करो, कम ऑन एवरीवन, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक दो आंसर आ गए मेरे पास। जल्दी बेटा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया एक भी। एक दो क्वेश्चन के आंसर आ गए मेरे पास, और भी लोग रिप्लाई करिए, बाकी लोग कहाँ रह गए। बिल्कुल सही है, इसका फोर ज़्यादा बेटर है बेटा, फोर मैच हो जाएगा, आप चेक चेक कर लीजिए, और फोर आंसर आप लोग दे भी रहे हो। वेरी गुड राहुल, नीतू, शिवम, शिखा, सज्जू, दीपशिखा, करेक्ट बेटा। 24, द टेक्निक दैट नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, टाइम बिगिंस, ट्वेंटी फोर का बताइए बेटा। द टेक्निक दैट नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, जिससे अर्ली डायग्नोसिस नहीं की जा सकती है। बेटा यहां देखो, पहला होगा इसका, फर्स्ट होगा, नॉट सर्व लिखा है ना, फर्स्ट। पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन कुछ नहीं होती है बेटा, पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। एलाइजा होगा बेटा, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की लाइन है। आरटीपीसीआर कोरोना के लिए इमीडिएट अर्ली डायग्नोसिस कर लेता है बेटा, इसलिए फर्स्ट होगा इसका, फर्स्ट। ठीक है, 25, तो 24 का कई लोगों ने दे दिया आंसर, सही है। शिवम, ममता, राहुल, नीतू, दीपशिखा, शिखा, सज्जू, वंदना, राइट बेटा, सोनू। 25 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये तो देखते ही कर दीजिएगा। कम ऑन एवरीवन, चलिए बेटा जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए।
हाँ ये होगा बेटा, ये आपका सेकेंड अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पार्लियामेंट में पारित किया गया था, जिसमें इन सभी चीज़ों को टेक ओवर करने का डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो सेकेंड अमेंडमेंट होगा, थर्ड ऑप्शन सही है बेटा। द टोबैको प्लांट हैज़ बीन मेड रेजिस्टेंट टू द टोबैको मोजैक वायरस बाई। चलो बेटा लेट्स बिगिन, 26 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। टोबैको प्लांट हैज़ बीन मेड रेजिस्टेंस टू टोबैको मोजैक वायरस बाई। तो टीडीएनए डालने से वो क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए? नहीं, इसके लिए जीन इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इंट्रोड्यूसिंग ए जीन फॉर विम्स कोट प्रोटीन, यानी इसके लिए ऐसी जीन डालनी है जो अंदर जाके वो कोट प्रोटीन बना ले, ठीक है, जो वायरस के प्रोटीन को नष्ट कर दे। तो सही होगा इसका, 26 का सबने फर्स्ट दिया है, होगा सेकेंड। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर, इनकरेक्टली मैच पेयर बेटा, चलो जल्दी से बताओ। 27 का चलिए बेटा, 27 का इनकरेक्ट मैच्ड पेयर बताइए। कम ऑन एवरीवन, हाँ बिल्कुल सही है, कई लोगों ने आंसर दे दिया है। हाँ इसका होगा थर्ड, क्योंकि रोजी बेटा काऊ थी और वो एंटी ट्रिप्सिन नहीं प्रोड्यूस करती थी, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करती थी। सही है बेटा, सही है। वंदना, सोनू, विशाल, सिया, शिखा, दीप शिखा, सज्जू, राहुल, वेरी गुड बेटा, सब लोगों ने सही आंसर दे दिया इसका। ममता, नीतू करेक्ट है बेटा। 28, परमानेंट क्योर फॉर एडीए डेफिशिएंसी कुड बी, परमानेंट क्योर क्या है बेटा एडीए डेफिशिएंसी का? कम ऑन एवरीवन, आंसर आ गया मेरे पास, शिखा, वंदना, दीप शिखा, सिया, वेरी गुड बेटा, डी, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो एंड प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल। बेटा अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक में करेंगे तभी परमानेंट क्योर कर पाएंगे, अदरवाइज परमानेंटली क्योर नहीं कर पाएंगे। तो वेरी गुड ममता, सोनू, सज्जू, नीतू, विशाल, राहुल, सिया, दीप शिखा, वंदना, शिखा, वेरी गुड बेटा। पीसीआर इज नॉट यूज्ड इन, पीसीआर को कहाँ यूज नहीं करते? चलिए देखिए और रिप्लाई करिए। पीसीआर इज नॉट यूज्ड इन, चलो बेटा लेट मी नो द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करिए। बिल्कुल सही है, आइसोलेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द होस्ट डीएनए टू बी क्लोन बाय द रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर, इस काम के लिए बेटा कभी यूज नहीं करेंगे। तो सही है, 29 का 3 होगा बेटा, सही है, सब लोगों ने दे दिया। 30, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, चलो लेट्स बिगिन। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग से क्या कर सकते बेटा, कम
करेक्ट था 29 का सबका। 30th क्वेश्चन अब आपके सामने बेटा, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। कम ऑन एवरीवन, पढ़िए और जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरे पास, एक्यूरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सही बेटा, ट्रांसजेनिक माइस टू टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर द यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेटा किसी भी वैक्सीन का पहले उपयोग करते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, और इसका सभी ने सही दे दिया है, एक लोगों को छोड़ के, एक दो लोगों को। राइट बेटा, राइट, करेक्ट। 31, द जेनेटिक डिफेक्ट एडा डेफिशिएंसी मे बी क्योर्ड परमानेंटली बाई। चलो लेट्स बिगिन, ये थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन है, मिलता जुलता, रिपीट नहीं हुआ बट घुमा दिया है। कम ऑन एवरीवन, बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूसिंग द बोन मैरो जीन जीन बोन मैरो जीन, वहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लिख दिया था बेटा। इंट्रोड्यूसिंग द बोन मैरो जीन प्रोड्यूसिंग द एडा इन टू द सेल टू द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग थी, इसकी अलग है। मेन ऑब्जेक्टिव, ये तो वो हो गया बेटा, रिपीट हो गया है। खैर इसका बता देते हैं, फर्स्ट हो जाएगा, मैनुअल लेबर। एंटी सेंस टेक्नोलॉजीज, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा? एंटी सेंस टेक्नोलॉजीज, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब बेटा, जल्दी बताइए। 33 का कम ऑन एवरीवन, रिप्लाई करिए। बिल्कुल, व्हेन द पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन द सीक्वेंस यूज टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, तब इसको बोलेंगे। इसका आंसर मुझे किसने दिया? ममता, विशाल, राहुल, सज्जू, दीपशिखा, शिखा, वंदना, सिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नीतू, 34 करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना बेटा। चलो लेट्स बिगिन, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके बताइए। यहाँ इनहेंस, हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा। द एंटी कॉगुलेंट हिरुडिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक ब्रैसिका नेपस सीड। ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो याद रखिएगा, पढ़ के समझ में आ गया है। इसका आंसर थर्ड दिया है सभी ने, बिल्कुल करेक्ट बेटा, वेल रिप्लाइड। चलो बेटा, 35, एडा डेफिशिएंसी इज परमानेंटली क्योर इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडा इंट्रोड्यूसिंग सेल इनटू। अब यहां कंफ्यूजन ये है, अर्ली चाइल्डहुड की अर्ली एम्ब्रियोनिक, अर्ली एम्ब्रियोनिक, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक होगा। ठीक है, थ्री क्रिटिकल रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, तीन क्रिटिकल रिसर्च बेटा बायोटेक्नोलॉजी के किए गए थे। चलिए उसमें से कौन सा था वो देखिए, देख करके करेक्ट चूज करिए कि कौन कौन सी चीजें सही हैं। 35 का सबका सही है, 36 का आंसर रिप्लाई करिए बेटा। इसमें चार में से कोई तीन करेक्ट है बेटा, देखिए कौन से तीन करेक्ट हैं, या कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको। तीन करेक्ट हैं, दो करेक्ट हैं, चारों करेक्ट हैं।
बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। MOET यहाँ से नहीं है बेटा, तो ये हो जाएगा सेकंड। सेकंड ऑप्शन सबने दे दिया है, राहुल, सोनू, वंदना, नीतू, विशाल, तुषार, देव, शिखा, शिखा, सिया, सज्जू। करेक्ट बेटा, करेक्ट। 37, फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना बेटा, इन स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है। चलिए टाइम बिगिंस, फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ के बताइए कि कौन कौन से हैं। चलिए जल्दी रिप्लाई करिए 37 का। हाँ, इसका आंसर दे दिया है, देव शिखा, वंदना, वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 2। ओनली 3 एंड 4, ओनली 3 एंड 4, बिल्कुल सही है, विशाल, वंदना, देव शिखा। ठीक है, थर्टी एट, विच इज ट्रू फॉर द मॉलिकुलर डायग्नोसिस। टाइम बिगिंस, मॉलिकुलर डायग्नोसिस के लिए क्या सही है। तुषार सही है आपका, बाकी लोग चेक कर लीजिएगा। 38 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, कम ऑन एवरीवन। थर्टी एट का आंसर आ गया है, ऑल देखते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं, मालूम था कि इसका सब फोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। लिखा है ना, इट इज इनएक्सपेंसिव, कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं बेटा। इट इन्वॉल्विंग ड्राइंग ऑफ सीरम फॉर द टेस्ट। कभी कभी क्या होता है, सीरम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ली जा सकती हैं, तो इसलिए बेस्ट ये होगा कि इट कैन बी यूज फॉर द इनिशियल स्टेज फॉर ऑनसेट ऑफ डिजीज। ये ज़्यादा सही है बेटा, थर्ड होगा इसका, तो याद रखिएगा, इसीलिए थर्ड है इसका। सज्जू ने सही दिया है, सज्जू और वंदना ने, राइट। एन, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड यूज टू एलुसिडेशन ऑफ इंटरफेरेंस RNA टेक्नोलॉजी इज, लेट्स बिगिन। चलिए बेटा जल्दी से जवाब दे दीजिए, 39 का। नॉन पैथोजेनिक निमेटोड जो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में यूज किया गया। सबने जवाब दिया है फर्स्ट, सबने जवाब दे दिया है फर्स्ट। कुछ लोगों ने खुशी के मारे बहुत ज्यादा लिख दिया, वन 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 वन, सुनोगे तो पैरों से जमीन खिसक जाएगी। फर्स्ट नहीं होगा बेटा, ये देखो, पैथोजेनिक, मिलोइडी गाइनी जो है वो पैथोजेनिक था, वो तो नुकसान पहुंचा रहा था बेटा। नॉन पैथोजेनिक पूछा है तो ये हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन, यानी कि सीनोरेबडिटिस एलिगेंट, सीनोरेबडिटिस एलिगेंट आंसर हो जाएगा सही, बी सेकंड हो जाएगा बेटा। ठीक है, सबने वन दिया है लाइन से। चलो अंतिमा, बहुत दिन बाद आए हो, क्या बात है। चलिए 40, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड दिस स्टडी कैन बी डन बाई। चलो बेटा लेट्स बिगिन।
कम ऑन एवरीवन। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, दिस स्टडी कैन बी डन बाई, इस स्टडी को कैसे किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो दो आंसर दे रहे हो सिया, एक चाहिए। कम ऑन एवरीवन। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, दिस स्टडी कैन बी डन बाई, ये कैसे कर सकते हैं? सबका 3 4 3 4 आ रहा है, बता देते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर, जो इस फैक्टर को बदल सके, यानी आंसर हो जाएगा सेकंड, सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। चलो, ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क दैट, चलो बेटा लेट्स बिगिन। फोर्टी वन का क्या होगा, जल्दी बताइए। ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क दैट, चलो बेटा जल्दी बताओ। 41 का, 41 का, हाँ इसका दो तीन लोगों ने सही दिया है, सब ने जवाब दिया पहला, लेकिन विशाल, तुषार, सज्जू, दीपशिखा, वैभव, नवीन और इन लोगों ने मुझे सही दे दिया है। फोर सिखा राइट, क्यों? इसमें बीटा वो अल्फा तो एल्ब्यूमिन था, तो यहाँ होगा इट इज प्रोटीन रिच, इसलिए ये सही होगा। और लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो बेटा। सिया फर्स्ट एंड फोर क्यों होगा बेटा, फर्स्ट वाले में अल्फा लिखा होना चाहिए, बीटा लिखा है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा ना। चलो 42, ये तो देखते ही कर लोगे, जल्दी बताओ। कम ऑन एवरीवन। 42, चलो बेटा जल्दी जवाब दो 42 का। द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ राइस इन बासमती राइस रिस्पेक्टिवली फाउंड इन इंडिया आर, हाँ 2 लाख और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी। बेटा बिल्कुल सही है, सबका सही है, ये तो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था। द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन इज सोलबलाइज बाई, अब ये और वो क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। चलिए बेटा, क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन इज सोलबलाइज बाई, अब एल्कलाइन पीएच ऑफ प्लांट सेल की एल्कलाइन पीएच ऑफ बर्ड वॉर्म, हाँ एल्कलाइन पीएच ऑफ 43 का 3, एसिडिक पीएच ऑफ गट ऑफ बेसिलस 43 का 3 कैसे होगा? हाँ इसका हो जाएगा एल्कलाइन पीएच ऑफ बर्ड वॉर्म, क्योंकि वो हमको वॉर्म को मारना है प्लांट को नहीं, इसीलिए इसका बेटा 4 होगा, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाले गए थे। चलिए ये वाला बताइए, डाइसर एन आर्गोनॉट प्रोटीन प्ले ए रोल इन, लेट्स बिगिन। चलिए बेटा 43 का 4 सबने बता दिया है, वेल रिप्लाइड। डाइसर एन आर्गोनॉट प्रोटीन प्ले ए रोल इन,
हाँ ये देखो, डाइसर और एर्गोनॉट जो प्रोटीन होती है वो आरएनए इंटरफेरेंस में रोल प्ले करती बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस। वेरी गुड सिया, तुषार, नवीन, ममता, ठीक है देवशिखा, अब पता हो गया सज्जू। आगे वंदना, सोनू, करेक्ट बेटा, नीतू, अंतिमा, 45। टेलर मेड प्लांट विल सप्लाई विच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। चलो बेटा लेट्स बिगिन। बिल्कुल सही, ईमानदारी से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया नहीं आता, तो याद रखिए डाइसर होती है जो कट करती है। टेलर मेड प्लांट विल सप्लाई विच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। जल्दी आखिरी फेज में हम लोग, हाँ स्टार्चेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स टू द इंडस्ट्री स्टार्चेस, ठीक है वेरी गुड सिया, सज्जू, विशाल, तुषार, अंतिमा, नवीन, वैभव, करेक्ट है बेटा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, नीतू, राहुल, आपका भी करेक्ट है बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर रिप्लाई करिए बेटा, लेट मी नो। हाँ क्योंकि बता ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे ज़्यादा संभावनाएं जो होती है ना न्यू ट्रीटमेंट की, कंफ्यूज करने की तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप इसका सबसे बेटर ऑप्शन होगा न्यू ट्रीटमेंट, ठीक है ये बिल्कुल सही है सबका। विशाल, शिखा, वंदना, सिया, करेक्ट बेटा करेक्ट, देव शिखा, तुषार, नीतू, नवीन, ममता, वैभव, सज्जू टू कैसे होगा, राहुल, अंतिमा, सोनू, करेक्ट। तो चलिए आज हम लोग ने इस पे क्विज कर लिया है, ठीक है कल बेटा हम लोग इसके आगे करेंगे, इकोलॉजी पे क्विज करेंगे, इकोलॉजी का पहला चैप्टर का क्विज करेंगे बेटा, ठीक है क्योंकि इसके बाद इकोलॉजी 12th की एनसीईआरटी में। तो कल मिलते बेटा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिल सके बेटा। चलिए फिर मिलते हैं।